ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं सुल्तानपुर से खबर। दीवानी न्यायालय का 8 अगस्त तक बंद रखने का आदेश। दीवानी न्यायालय का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन आने के कारण डीएम की ओर से भेजे गए पत्र पर जिला जज उमेश कुमार ने 8 अगस्त तक सभी न्यायालय बंद रखने का आदेश दिया है। बंदी के दौरान जिला न्यायालय का न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिमांड तथा जमानत की कार्यवाही अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होगा। बंदी का यह आदेश कादीपुर व मुसाफिर खाना स्थित अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट पर लागू नहीं होगा। डीएम सी इंदुमती ने जिला जज उमेश शर्मा को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि सिविल लाइन स्थित दीवानी न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है। गोलघाट जजेस कॉलोनी और लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है। यहां पर 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण 31 जुलाई से 14 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। डीएम के पत्र और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालयों को न्यायिक और प्रशासनिक कार्य 8 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय का न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। न्यायालय का न्यायिक कार्य बंद रहने का दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिमांड व जमानत की कार्रवाई अवकाश के दिनों की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी। मंडल ब्यूरो अयोध्या के साथ प्राइम न्यूज 24 सुल्तानपुर से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।